आज लाइव में आया था तो आप सबसे बात करनी थी। मैंने इन बच्चों के बारे में बात करनी है जिनको हम 4-5 महीने से अपने बच्चे की तरह रख रहे हैं, और आप लोग देख भी रहे होंगे। तो बस एक मैसेज आपके लिए, प्लीज एक सिमू बज्जू बज्जू सिमू सेव लाइफ एक हैशटैग है, वो आपने सभी ने शेयर करना है, तो उसकी आप देख लीजिए। और प्लीज कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि भाई ये अनलीगल है, हमें पता है अनलीगल है, लेकिन एक छोटे से बच्चे हैं, छोटी सी जान है जिनको हमने बचपन से ही रखा है। तो यार आप कुछ समझदार हो कि इनको कहाँ छोड़े, तो ना तो हम इनको जंगल में छोड़ सकते हैं, ना इनके लिए कोई और जगह है, हमने अपने बच्चों की तरह इनको रखा है, कैसे हम इनकी केयर कर रहे हैं आप सब लोग जानते हैं। तो प्लीज इस एक तो वीडियो को शेयर करना ताकि किसी अच्छे इंसान के पास चले जाए, ताकि उनको एक दया की इन बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर दया करने की जरूरत नहीं सर। तो मैं तो बस इन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ ताकि हम इनकी केयर कर सके, जब तक हमारे किस्मत में इनका दाना पानी है, जब तक हम इनकी केयर कर रख सकते हैं। मैं तो अपनी लाइफ टाइम जितना जब तक मैं जिंदा रहूँ, मैंने कभी जिंदगी सोचा भी नहीं है कि इनको कोई साइड में होने दो, या जितने भी इनकी लाइफ है इनको मैं अपने पास रखूंगा, चाहे मुझे जंगल में रहना पड़े। तो मतलब जैसे अभी हमारे कानून ऐसे देश के बने हुए हैं, अब कानून के लिए मैं खिलाफ तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट कानून बन जाते हैं, बट उनको मैनेज करना, उनमें बहुत सारी चीजें होती है, बट वो टाइम के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हाँ इस कानून में ये प्रॉब्लम है, तो उस वजह से यहाँ पे किसी जीव की मृत्यु हो रही है, या उनको अब डेली आप खुद समझदार हो कि जंगल रहे कहाँ यहाँ पे, अभी हम लोगों ने सब जगह कब्जा कर लिया है जंगलों में, तो वहां पे इनकी जगह कहाँ है, जंगल में जगह नहीं है, घरों में आते हैं, हमारे पड़ोस में आते हैं, डेली करंट से मरते हैं, डेली करंट से बहुत सारे मंकीज मरते हैं, बहुत सारे बेचारे जंगल से बाहर आते हैं खाना खाने के लिए, खाना खाने आते हैं सड़कों पर वहां मर जाते हैं, इनके लिए जगह कहाँ है मुझे बता दो। अगर कोई रख रहा है, कोई इनकी केयर कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है बताओ, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। अगर प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम सब मिलके एक चाहे हम क्या पता कुछ बदलाव कर पाए, कि हमारे जरूर दो की नहीं पता नहीं 2,000 2 लाख कितने बच्चे हैं वो सेव हो सके। बहुत लोग पालते हैं, बहुत लोगों ने रखे हुए घर पे, ठीक है, कोई वीडियो बनाता है कोई नहीं बनाता। मैंने भी वीडियो ऐसी बनाई थी कि वैसे डाल दी मैंने, बट वो वीडियो पॉपुलर हो गई थी, तो लोगों ने डिमांड की भी यहाँ वीडियो डालो, हमें बजरंगी बहुत पसंद है, हमने उनका नाम रखा हुआ है बजरंगी सिमू, हमारे पास 4 पैट्स है, कैट्स भी हमने रखी हुई है, ये भी नहीं कि हमने इन दोनों को बांध के रखा हुआ है या इन दोनों को अलग रखते हैं पिंजरे में, ना मैंने इनको कभी, मेरे घर में तो पिंजरे नहीं पहन रहा, तो रस्सी इनके लिए तो रस्सी ही नहीं है, हम इनके लिए हमने एक दो रूम अलग अलग निकाल के, ताकि ये रूम में कभी कोई गेस्ट आ जाता है, खाना खाना होता है, इनका खाने का टाइम अलग होता है, हमारा अलग होता है, तो हम इनको अलग से अपने रूम में छोड़ते हैं, ना कि बांधते हैं। तो इनकी हर तरह से इनकी ड्रेसअप का हम ख्याल रखते हैं, इनके डेली नहाने का ख्याल होता है, इनकी वैक्सीन से हम टाइम पे कराते हैं, डॉक्टर्स के हमने पूरा एडवाइस रखी है कि अब कैसे कैसे क्या होता है, कई बार इनको बुखार होता है जंगलों में, अब पैट्स बेचारे बहुत सारे बंदर, मैं डेली कई बार मैं हफ्ते में वीक में कभी मुझे टाइम मिलता है मैं बाहर इनको खाना डालता हूँ, तो मैं देखता हूँ किसी का हाथ टूटा पड़ा है, किसी का मुंह टूटा पड़ा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इतने सारे मतलब मैं कुछ समझदार हूँ कि रह नहीं कहाँ, और ये तो बचपन से मेरे पास है, तो ये कैसे रह सकते हैं आप कुछ समझदार हो, मतलब अगर अगर हम कानून के मुताबिक चल रहे तो हमें इनको मारना ही होगा, एक तरह से ये चीज है कि आप इनको ले जाओगे छोड़ दोगे ये मरी मरी जाएंगे, तो प्लीज हेल्प कीजिए, मैं आपका दोस्त और आपका फैमिली मेंबर हूँ, क्योंकि हम सब एक फैमिली मेंबर हैं, 4 लीडर्स फैमिली, और प्लीज एक हैशटैग है बज्जू सिमू सेव लाइफ, आप प्लीज हर पोस्ट में इंस्टाग्राम पे हर जगह आप ये टैग डालिए, ताकि हैशटैग ताकि किसी अच्छे इंसान के पास पहुंच जाए जो हमारी हेल्प करे। हेल्प क्या है, बस हमें एक रास्ता बता दे, जो करना होगा मैं करूंगा, अगर वो बोलेगी जंगल में आप रह सकते हो हटना के, तो मुझे कोई बात नहीं, मुझे जगह दे दो मैं वहां भी रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सेव तो रहेंगे जब तक मेरे पास, देखो मैं ये भी नहीं है कि लोग बोलेंगे, अब कई लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि यार बाहर इतने सारे बंदर है उनकी भी केयर कर ले, यार मेरे पास में तो मैं कर लेता, मेरे पास मैं देखो मेरी अपनी फैमिली भी, हर बंदे का अपना टाइम रहता है, जितना टाइम आप दे पाओ, हर इंसान अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है, बहुत लोग सुबह से हम बिजी होते हैं, मेरे पास बहुत लोगों को कॉल आती है, बहुत लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में था, मैंने इनकी वीडियो देखी बच्चों को, मैं डेली वीडियो देखता हूँ तो मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया, मेरी बीमारी खत्म हो गया, तो यार कोई ये एक तरह की दवा है कि बस कि किसी को हंसा पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी लगा लो कि लोग खुश होते हैं, लोगों के अंदर से खुशी आती है, किसी का लालच तोड़ना है, हम किसी से डोनेशन नहीं मांगते, किसी से पैसे नहीं मांगते, कि बस ओनली आप खुद अपनी जेब से इनकी हेल्प करें बाहर, हम एक मैं बस मैं अवेयरनेस के लिए बोलता हूँ कि प्लीज आप अवेयरनेस के, आप अगर किसी घर में पैट्स रखते हो अपने पास, तो प्लीज उनकी बहुत बहुत केयर करें, ताकि अपने बच्चों से ज्यादा, और बाहर भी टाइम निकाल के उनकी उनको खाना दीजिए, कपड़े दीजिए, जैसे भी हो उसके उनके घर बना सकते हो आप, उनकी जगह दे सकते हो उनको अपनी, तो प्लीज बस ये मैसेज था, सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया है, या प्लीज इसको
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितने भी लाइक हो गए, जितने लोग लाइक करेंगे उतने लोग शेयर करना प्लीज। बस ये मैसेज है आपके जरिए, ताकि हम एक कोई नई राह बना सके इनके लिए, सब मिलके इनके लिए क्या पता हम, अगर आप हेल्प करोगे तो इनकी तो पता नहीं कितनी दुआएं मिलेगी, ताकि हम आगे से इनकी तरह और भी बच्चे हैं जो बहुत सारे बहुत बच्चे हैं जिनकी बचपन से माँ मर जाती है, कोई गिर जाता है, कोई पड़ जाता है, इनकी स्टोरी में डाली हुई है, तो प्लीज हेल्प कीजिए। थैंक यू, लव यू।